हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त क्रोशिया में आप देख सकते हैं, इनका वीडियो आया था प्रवीण भाई का, और इनका वीडियो में पहले आ चुका है दोस्तों। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि इन दोनों का प्यार, साथ में सिद्धार्थ का मोहब्बत ऐसा कि स्पेशल इन्होंने मेरे लिए 2 दिन के लिए हॉलीडे लिया। बोला मलिक भाई हम आपके साथ ही रहेंगे। मैंने जबकि बोला कि आप काम पे जाओ, अपनी मतलब जॉब्स को इम्पोर्टेंट दो, प्रायोरिटी दो, इनका एक ही कहना था कि मलिक भाई आप कौन सा रोज़ आते हो, आप 4-5 महीने में एक बार आ रहे हो तो क्या आपके लिए थोड़ा टाइम नहीं, और इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देते हो, इसके लिए हमें कुछ अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें करने मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रणव भाई के बारे में आपको सब मालूम है, लास्ट टाइम वीडियो बताए थे उन्होंने, सब कुछ बताया था कि क्या जॉब है, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन कौन लोग क्या झूठ बोल के लोगों को बुलाते हैं, और बहुत सारे मसले। और प्रवीण भाई का आपने देखा कैसे जॉब चेंज करते हैं। इन्होंने तो वो इन्फॉर्मेशन दिया जो मुझे लगता है कोई बंदा अभी तक मुझे बताया भी नहीं था, जबकि ये चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम था कि एम्प्लॉयर कैसे चेंज करते हैं। तो प्रणव एक बात बताओ, क्या इन दिनों में इतना जो वक्त आपने गुजारा है, तो क्या चेंजेस पाया आपने क्रोशिया के अंदर, एक्चुअल में क्या चेंजेस पाया आपने इसमें? पहले तो संगन में आने के बाद बहुत चीज़ एडवांस हो गया है, पहले चीज़ है ना, बहुत चीज़ काफ़ी एडवांस हो गया है। हाँ, एक ही दिक्कत ये है कि थोड़ा वर्क परमिट आने में लेट हो रहा है, और आपका जो अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा ये हो रहा है, लेट हो रहा है ना, वो सब में थोड़ा दिक्कत आ रही है। वो जेन्युइन चीज़ है और वो होगा ही होगा, क्योंकि संगन आने के बाद अप्लाई भी उस हिसाब से हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब उस तरह से लोग क्रेजी हो गए क्रोशिया के लिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि जो मिनिमम सैलरी वेजेस था वो भी चेंज हो गया है, यहाँ का जो सामान जो खरीद रहे हैं हम लोग जो हाँ, उसका भी रेट चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। अब जैसे यूरो में आ गया, अभी तो कूना बंद ही हो गया है। हाँ, अभी तो डायरेक्ट आपका यूरो में ही कहीं पे भी आपका, अच्छा कूना बंद हो चुका है पूरी तरह से। और मिनिमम सैलरी भी यहाँ पे सनीगन में आने के बाद 700 यूरो हो गई है, 700 यूरो। अच्छा, मिनिमम वेजेस है। तो मतलब इसमें टैक्स काट के बोल रहे हैं आप? नहीं, ये बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। तो भाई टैक्स कितना कटता है इसमें? टैक्स वो एम्प्लॉयर का ही है, एम्प्लॉयर जो हम लोग को नहीं पे करना होता है। ओह वाओ, ग्रेट। एम्प्लॉयर पे करता है टैक्स, और रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर अरेंज करता है। ओके, व्हाट अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस? वो भी एम्प्लॉयर देता है। ओह, मतलब अगर आप 700 रुपये आपका हाथ में डायरेक्ट आपका आ जाता है, तो उसमें खाने का खर्चा अभी नया में 150-200 यूरो, 150-200 यूरो, हाँ इतना एक बंदे का आ जाता है। हाँ। तो मतलब लगभग आप समझ तो 600 यूरो बच जाता है, एक मिनिमम वेजेस की बात है। हाँ। और कोई ओवर टाइम करे तो अलग बात है। ओवर टाइम में अलग, मैंने मिनिमम बताया, ओवर टाइम करेगा सैलरी 900-1000 यूरो बना सकता है वो आराम से। ओ ग्रेट, मतलब आदमी अगर चाहे तो 800 यूरो घर भेज सकता है। हाँ। है ना, आराम से। ओके, इसके अलावा अभी कौन सी इंडस्ट्री में हाई डिमांड है, क्या चल रहा है क्रोशिया के अंदर, क्या हाई डिमांड, कौन से हाई डिमांड में है? हाई डिमांड में होटल इंडस्ट्री अभी है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है। हाँ। दूसरा चीज़ है आपका डिलीवरी का, तो अभी वैसे ही हमेशा रहेगा वो। अच्छा, वो डिलीवरी का, डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन, ये हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा डिमांडेबल रहेगा। अभी वेयरहाउस का भी मतलब, तो मेरे को बात बताओ पढ़ना हो, अगर फॉर एग्जांपल आप जो बोल रहे हो कि अभी डिमांड है, तो बंदे क्या 6 महीने के लिए आते हैं वेटर ने या होटल इंडस्ट्री में? सीजनल वर्क, अगर सीजनल वीजा है तो वो तो होटल लाइन का सीजनल ज्यादातर होता है, 6 महीने का, 6 महीने का ही होता है। तो इसको तो आपको कंट्री से बाहर जाना है? नहीं, उसके बाद आप अगर दूसरा जॉब अरेंज करके दूसरा जॉब चेंज कर सकते हो, मतलब सीजनल से नॉन सीजनल पे आदमी जा सकता है, जा सकता है, इजीली जा सकता है। ओके, वेरी गुड। मतलब अगर मैं होटल में आया और होटल का काम खत्म हो गया, तो कंस्ट्रक्शन में या कोई भी कंपनी, सुपर मार्केट में कहीं भी जा सकता हूँ? ओह वेरी गुड, उसके बाद मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ, सीजनल वर्क परमिट अगर पे आप आए हो, हाँ, उसके बाद आप कहीं पे भी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। ओके, लेकिन लैंग्वेज बैरियर नहीं आता यहाँ पे? लैंग्वेज डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। अच्छा, जैसे कौन से जॉब में लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, एग्जांपल के तौर पे? फ्रंट डेस्क जो भी रहेगा। हाँ, वो तो आ गया, वो तो आपका लैंग्वेज, और ऑपरेशन भी, ऑपरेशन भी आपका, क्योंकि उसमें एडमिन अकाउंट्स, तो मतलब कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए आपको, बेसिक आप समझ सको और बोल सको, इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ। बेसिक। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वेयरहाउस, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हो गया, उसके बाद सुपरमार्केट में जो रैकिंग में काम करते वो हो गया, या ड्राइवर हो गया, ये सब में डिमांड रहता है? डिमांड रहेगा। हाँ। आपका वो सब में आराम, इजीली आपको मिल भी जाएगा उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, मैंने सुना है कि यहाँ पे 4-व्हीलर का डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता है बाहर थर्ड कंट्री से, ये सच है? मतलब इंडिया से कोई आना चाहे डायरेक्ट तो 4-व्हीलर जॉब नहीं मिलेगा? टैक्सी ड्राइवर में मिलता है, वो रेयरली, रेयर केस है। हाँ, मतलब आप 2-व्हीलर या साइकिल वाले पे आके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपने फूड डिलीवरी में कोई बंदा आया है, हाँ आया है,
वो एक दो महीना या फिर 3 मंथ के बाद वो अगर चाहे तो चेंज कर सकता है वो अच्छा टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि ज्यादातर फूड डिलीवरी कंपनी अपना टैक्सी का भी रखते हैं। ओके, टैक्सी डिलीवरी भी होता है, टैक्सी में जो फूड डिलीवरी होता है हाँ। तो आपका फोर व्हीलर में हाँ। वो भी होता है, ज्यादातर कंपनी करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्रोशिया आता हूँ और क्रोशिया आने के बाद मुझे बोला कि भाई मेरे पास फोर व्हीलर लाइसेंस है और मेरे को फूड डिलीवरी फोर व्हीलर करना है, तो मेरा इंडिया का लाइसेंस चलता है यहाँ पे एक साल के लिए चलेगा 1 ईयर हाँ। तो वहाँ से इंटरनेशनल बना के लेके आना है? नहीं नहीं, आप यहाँ कन्वर्ट करा सकते हो। अच्छा इंटरनेशनल हाँ, हाँ। वो कहाँ पे होता है? वो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है। अच्छा मतलब लगभग क्या कॉस्ट आता होगा? वो तो अपने को पे करना होता है। 300 यूरो करीब कॉस्ट है। अगर मैं वहाँ से बना के लेके आऊँ तो हो सकता है आप अगर इंडिया से बना, आपको उतना इंडिया में जितना इजी रहेगा उससे ज्यादा आप यहाँ पे बना लोगे। यहाँ पे इजी है, मतलब यहाँ इजी, इंडिया में टफ है। लेकिन LMV हाँ मतलब टू व्हीलर फोर व्हीलर का लाइसेंस आराम से इजली यहाँ पे चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट अगर हैवी व्हीकल का है तो फिर नहीं चेंज होगा। मैंने एक रूल सुना है कि आप जब इंटरनेशनल पे काम करते हो अगर आपको क्रोशियन लाइसेंस चाहिए तो यहाँ पे मिनिमम आपको 6 महीने कम्प्लीट होना चाहिए, क्या ये सच है? मैंने ऐसा सुना है किसी किसी 6 मंथ कंप्लीट, मतलब अगर क्रोशियन लाइसेंस चाहिए आपको तो आपका जो होम कंट्री का लाइसेंस है तो यहाँ पे रेसिडेंट 6 महीने पुराने होने चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। मैंने नहीं। सुना था किसी टैक्सी वाले से किसी दोस्त के थ्रू इतना तो अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त ने चेंज किया है हाँ। उसका तो वो हालांकि वो 5 महीने बाद चेंज किया है। अच्छा, लेकिन 6 मंथ नहीं हुआ है उसको, 5 महीना हुआ है उसको, लाइसेंस अपना चेंज किया। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया दो वीडियोस के लास्ट में, प्रवीण भाई ने बहुत ज्यादा और फिर प्रणव भाई ने बता दिया है। और प्रणव भाई तो एक आखिरी सवाल, ये स्कैमर जो कर रहे हैं स्कैम, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? लोगों का पैसा लूट के काम नहीं करते, डीले करते, वर्क परमिट नहीं देते, फेक परमिट देते, बेचारे इतना पैसा, मतलब ये क्यों समझ नहीं पाते? मैं इतनी वीडियोस में लोगों को समझाता हूँ फिर भी वही। वो तो देखिए, वो तो जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है वो उसको ही थोड़ा मतलब एक्टिव होना पड़ेगा उसमें। हम आप जो भी बोलोगे हम बोल देंगे, उसमें कोई ज़्यादा बंदे करेंगे, जो जिसको स्कैम करना है वो करेगा ही करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, जैसे बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो वहीं कंट्री के लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान को बैन किया गया है, अपनी कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी बंदा इधर आ रहा है एटलीस्ट कुछ महीना इधर रुक जाए, ऐसा ना हो एक साल, एटलीस्ट 6 महीना, 6 महीना। रीजन ये है कि ऐसा ना हो कि बाद में इंडिया को भी बैन कर दे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो मतलब इसके पीछे के एक लॉजिक बताना चाहूंगा कि हमारे प्रणव प्रदीप भाई क्यों बोल रहे हैं, कोई भी कंट्री आपको वीजा दे रही है, आपको TRC दे रही, तो चाहती है कुछ टैक्सेस आप गवर्नमेंट को पे करो ताकि उनके जो आपके काम में उनको टाइम लगा, प्रोसेस में टाइम लगा, पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, सब ने काम किया, तो उसके लिए ये बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट 6 महीना रहकर टैक्स भरो और उसकी बेनिफिट्स उनको दो, और बाहर अगर बाद में जाते भी हो लीगल तौर पे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब आपके लिए भी है और दूसरा मतलब देश के लिए भी, इंडिया के लिए भी है, और जो एम्प्लॉयर के थ्रू आप आ रहे हो उसके लिए भी है। और सबसे बड़ी चीज ये ना, लोग सोचते हैं कि सैनिगन में क्रोशिया आ गया है हाँ। और यहाँ पर आके किसी और कंट्री में हम मूव कर जाएंगे हाँ। लेकिन सिर्फ 90 डेज के लिए आप वहाँ पे लीगल रह सकते हो, उसके बाद आप वहाँ पे इनलीगल रहोगे और आपको पेपर बनवाने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, तब वहाँ पे दूसरी कंट्री में आप लीगल होगे। हाँ, पुर्तगाल 3 साल ले, 3.5 साल ले ही हाँ, लेती है ना हाँ, वही चीज है। वो अलग बात है कि मैंने एक वीडियो बना के लोगों को बताया था कि 7 महीने मिलेगा, अलग प्रोसेस है, बट 3 साल तो आपको रगड़ना ही पड़ेगा। और जब तक आप लीगल नहीं होगे किसी कंट्री में तो आप अच्छा कमा नहीं सकते हो, सबसे बड़ी चीज ये, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने आपके लिए बनाया, तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर। इनका टाइम देने के लिए धन्यवाद, सिद्धार्थ का धन्यवाद, प्रणव का धन्यवाद, प्रवीण का धन्यवाद। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, जो भी पर्सन इंडिया नेपाल या कहीं से भी आ रहा है, सबसे पहले आने से पहले बाद यहाँ पे OIB नंबर जरूर ले वो अपने एम्प्लॉयर से बोल के। OIB हाँ, ये क्या होता है? ये यहाँ का यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड, जैसे हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि पुर्तगाल में NIC नंबर होता हाँ, exactly, है ना सोशल exactly. कह सकते हैं कि नेशनल ID नंबर, उसके बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, उसके बिना आपका TRC नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बिना आपका रेसिडेंट परमिट नहीं बनेगा, आपका जो घर जो लोगे आप किराए में रेंट में वो भी नहीं बनेगा, हर जगह वो ऐसे लोग यहाँ पे मिले जिनका कंपनी ने OIB नंबर नहीं बनवाया और वो 6 महीने से अब उनको दिक्कत बहुत हो रहा है। तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये,
कि जो भी OIB नंबर नीचे मैं लिख के दे रहा हूँ, ये नंबर बनाना जरूरी है लैंड होने के बाद, कंपनी को बोलो TRC के बाद ये नंबर आपको बना के दे। 72 आवर्स के अंदर वो बन जाता है, बन जाता है। हाँ। TRC के बाद नहीं, आपको तो जब TRC के करोगे, हाँ पहले आपका कंपनी OIB नंबर बनाएगा। चलो भाई, ये बहुत अच्छा बड़ा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो काफी लेंदी हो गया, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और कोई भी काम कराना हो तो मेरे सेंट्रल नंबर पे +9199883584 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या visasmalik@gmail.com को ईमेल कर सकते हैं। मेरा नया ईमेल जो इंस्टाग्राम आईडी हो तबीर मलिक कंसल्टेंसी है। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, जो थैंक यू वेरी, तबीर मलिक दिल से सब्सक्राइब करता है।